बीजेपी कहती है वही एजेंसी करती है, लेकिन वोट में ट्रायल जब चलेगा तो दूध का दूध पानी का पानी तो होता है। जो भी दोषी नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार, झारखंड देख रहे हैं। तेजस्वी यादव और आरजेडी आज सस्ता अभियान का शुरुआत कर दिया। पहला सदस्य पटना में तेजस्वी यादव बने तो दिल्ली में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बने। वही नवादा प्रकरण अब मामला तूल पकड़ता हुआ देख रहा है। एक तरफ जीतराम मांझी कह रहे हैं कि यादव लोग के उकसावे पे ये घटना हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब तेजस्वी यादव जीतराम मांझी को जीतराम शर्मा बता रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले अपन के बयानों को सुने। हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोगों को हम लोग पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग, हर धर्म जाति के लोग करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार जरूर मिला रही। आप सब मीडिया के लोग यहाँ आए, आप सब लोगों का भी अभिनंदन और धन्यवाद है। और कुछ सवाल हो गया, टारगेट कितना सर, टारगेट टारगेट इस बार कितना है? एक करोड़ का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। हम लोग लोगों को सदस्य बनाते हैं और इतना सदस्य बनाते हैं, कई पार्टियां जो है ऐसा सदस्य बनाते हैं जिनका आता पता बीजेपी आप लोगों को पता है कि कैसी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसको इतना सदस्य सिंधी देता है जी। नवादा में जो घटना हुई है, उसमें मांझी जी ने बताया है कि राजद के समर्थक ने किया है। राम सर जो भी दोषी उन पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार और लगातार नौ दिन से दलितों की मस्ती को आग लगाने का हत्या, अपहरण, रेप, ट्रैफिक जैसे वारदात हो रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के चुप्पी जो है वो ढूंढ रहे हैं। हमने तो पीठ में प्रधानमंत्री को भी एड्रेस किया, यहाँ डबल इंजन सरकार है, लगातार अत्याचार जो है वो बढ़ रहा है और यहाँ के मुख्यमंत्री हर मामलों में जो है चुप्पी साधते रहते हैं। जो अधिकारी देते हैं वही केवल पढ़ते हैं, सब केवल में फिर मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट की प्रक्रिया है, चार्ज कॉन्फिडेंस किया जाता है, फिर चार्जशीट होता है, फिर जिन पर चार्जशीट हुआ वो पे लेते हैं। ये तो गया, ये तो बहुत बुरी बात है। जो बीजेपी कहती है वही एजेंसी करती है, लेकिन वोट पे ट्रायल जब चलेगा तो दूध का दूध पानी का पानी तो होता है। जितने भी ऑपोजिशन लीडर जो हैं, जिन जिन पर इन लोगों ने मुकदमा कराया है, जो विडिक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं,
लोग डरपोक लोग, उनको डर लगता है। लेकिन जिन नेताओं का मामला केस कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के कितनी बार एजेंसी को फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑब्जर्वेशन अगर आप लोग देखें तो एजेंसियों को धुतकारा है। तो आपने साफ तौर पे सुना, आरजेडी 1 करोड़ जो लक्ष्य रखी है बिहार में सदस्य बनाने के लिए, और साथ ही बता रहे हैं तेजस्वी यादव कि किस तरह से भाजपा फर्जी सदस्यता अभियान चलाती है। जितना उसके पास दिल्ली में सदस्य नहीं सदस्य हैं उतना तो उनको वोट भी नहीं आता है। वही जिस तरह मांझी को लेकर और संतोष मांझी जो उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं, दोनों पे निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि इन लोगों को मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाहिए, ये लोग जातीय रंग दे रहे हैं, इनको समझ नहीं है। बरहाल खबर इतना ही, इसी तरह तमाम खबर बने रहे हैं, अपस्ट भी आज झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।